हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक पुलिस फ्लैशर बनाएंगे। इस फ्लैशर की खास बात यह है कि इसे ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करके बनाया गया है। सर्किट में कोई आईसी यूज नहीं किया गया। इस सर्किट की दूसरी खास बात यह है कि इसे बहुत ही सिंपल कंपोनेंट से बनाया गया और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में एक नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रोजेक्ट के सर्किट डायग्राम और डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी बात मुझसे पूछना चाहते हैं या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है उसमें सबसे पहली चीज है BC557 ट्रांजिस्टर्स, BC547 ट्रांजिस्टर्स, 4 रेड LEDs, 4 ब्लू LEDs, 800 ओम रेजिस्टर्स, 6 10K रेजिस्टर्स, 247K रेजिस्टर्स, 2 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स, 2 22 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स, वेरो बोर्ड। सबसे पहले वेरो बोर्ड पे BC547 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और इसकी पिन नंबर 3 को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक और BC547 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और इसकी पिन नंबर 3 को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 10K का रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को पहली BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ और इसकी दूसरी पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद एक और 10K के रेजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी एक पिन पहली BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ और इसकी दूसरी पिन पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद एक और 10K के रेजिस्टर को वेरो बोर्ड पे इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी एक पिन दूसरी BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट हो जाए और इसकी दूसरी पिन पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक और 10K के रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को दूसरी BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ और इसकी दूसरी पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम वेरो बोर्ड पे एक BC557 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और इसकी पिन नंबर 3 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम एक और BC557 ट्रांजिस्टर को वेरो बोर्ड पे इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी पिन नंबर 3 पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद हम वेरो बोर्ड पे एक 47K का रेजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी एक पिन पहली BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट हो जाए और इसकी दूसरी पिन नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक और 47K का रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को दूसरी BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ और इसकी दूसरी पिन को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 10K के रेजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी एक पिन पहली BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ और इसकी दूसरी पिन नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाए।
इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक और 10K का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इसकी एक पिन को दूसरे BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ और इसकी दूसरी पिन को नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी पॉजिटिव पिन पहली BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ और इसकी नेगेटिव पिन दूसरी BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 10 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी पॉजिटिव पिन दूसरी BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ और इसकी नेगेटिव पिन पहली BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट हो जाए। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक 22 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे और इसकी पॉजिटिव पिन को पहली BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ और इसकी नेगेटिव पिन को दूसरी BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे एक और 22 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि इसकी पॉजिटिव पिन को दूसरी BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ और इसकी नेगेटिव पिन को पहली BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वेरो बोर्ड पे 4 रेड LEDs को कनेक्ट करेंगे और इनकी नेगेटिव वायर्स को आपस में कॉमन करके पहली BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हर रेड LED की पॉजिटिव वायर के साथ 100 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे और इन 100 ओम रेजिस्टर के दूसरी वायर्स को आपस में कनेक्ट करके पहली BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद 4 ब्लू LEDs को वेरो बोर्ड पे कनेक्ट करके इनकी नेगेटिव वायर्स को कॉमन करके दूसरी BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हर ब्लू LED के साथ 100 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करके 100 ओम रेजिस्टर की दूसरी पिन्स को आपस में कॉमन करके दूसरी BC557 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे।
We'll be right back.